टेस्ला का बिलीफ था कि हर एक इन्वेंशन या डिस्कवरी पहले सबकॉन्शियस माइंड में ही बनती है। हम अपने 95% डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड से लेते हैं। जब यह हिस्सा हमारे खिलाफ होने की जगह हमारी तरफ हो जाता है, जैसे एक आइसबर्ग का ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे छुपा होता है, वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से कई गुना बड़ा और पावरफुल होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी वर्क कर रहा होता है। जब तक आप 21 साल के हो जाते हो तब तक आप ऑलरेडी 100 टाइम्स ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया का पूरा कंटेंट परमानेंटली स्टोर कर चुके होते हो। सबकॉन्शियस माइंड बिलीव कर लेता है और हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर लेती है। इन तीनों चीज से आपको ये क्लियर है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड डेटा से भरा हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड एक सुपर पावर है जिसको हमें अपनी तरफ करना है। ये इमेज देखो और बताओ क्या लिखा है। को मैं एक बेसिक से एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करता है। बिलीव वो बिलीफ है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को लिमिट करते हैं। स्टडीज बताती है कि जब हम अपने एक्सपीरियंसेस और इमोशंस को लिखकर एक्सप्रेस करते हैं तो हम अपने आप को अपने पैटर्न्स को बेटर समझ पाते हैं। फुलनेस प्रैक्टिस करते हैं ना तो हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ज्यादा क्लियरली देख पाते हैं।